हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आज बेल्ट जॉइंट का सेकंड वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसका टॉपिक है बट बेल्ट। तो बट बेल्ट जो है बाय लिमिट स्टेट मेथड एज पर आईएस 800 2007। तो बट बेल्ट को हम ग्रूव वेल्ड भी कहते हैं, GROVE, ग्रूव वेल्ड, क्योंकि इसमें ग्रूव का मतलब खांचा, इसमें खांचा बनाया जाता है, तो वो इसीलिए इसको ग्रूव वेल्ड भी नाम दिया जाता है। तो कई जगह आपको ये ग्रूव वेल्ड के नाम से मिलेगा। तो ये बट बेल्ट या ग्रूव वेल्ड, ये दोनों कॉमन है, एक ही चीज है। तो ये बट बेल्ट और ग्रूव वेल्ड एक्चुअली है क्या, इसको समझ ले। यहां देखिए, ये दो कैटेगरी के बेल्ट होते हैं इस फिगर में। एक तो ये दो प्लेटें हैं, इनको सामने बट आपस में एक दूसरे से आमने सामने रखते हुए इसमें सटाया नहीं जाता है प्लेटों को, क्योंकि बेल्ट करना है। अगर हम सटा देंगे तो बेल्ट का मटेरियल अंदर नहीं जाएगा, बेल्ट केवल ऊपर ऊपर रह जाएगा। हम चाहते हैं कि बेल्ट हमारा इस सरफेस पर भी आ जाए, तो इस सरफेस पर बेल्ट आ जाए, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच में गैप रख करके तब बेल्ट किया जाता है। तो जब दोनों प्लेटें ओरिजिनल शेप में इस तरह से गैप रख करके रखी जाती हैं, तब इसको ओपन स्क्वायर बट बेल्ट का नाम दिया जाता है। यानी ये बेल्ट किस तरह का कहलाएगा, ओपन स्क्वायर बट बेल्ट। अब यहां पर एक्चुअली इसको दर्शाएंगे कैसे, यहां से यहां तक ऊपर उभार दर्शा दीजिए और ये बेल्ट हमारा ये बीच में इस तरह से भर जाएगा, तो ये हमारा ओपन स्क्वायर बट बेल्ट कहलाता। अब देखिए, और दूसरे केस में दो प्लेटें अगर ये हैं ऊपर की तरह से ही रखी गई हैं पास पास, लेकिन इसका ये कॉर्नर ये जो है घिस दिया गया या टेपर काट दिया गया, तो ये थोड़ा टेपर कर दिया गया है सीधा स्ट्रेट में। तो अगर इसको मिला देते हैं, यहां शक्ल कौन सी बनती है, वी का शेप बनता है। और चूंकि एक ही किनारे पर किया गया है, दूसरे किनारे पर नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, सिंगल वी। यह है सिंगल वी, यह सिंगल वी बट ज्वाइंट कहलाएगा। यानी इसमें अब ज्वाइंट भरते समय हमको वही काम करना होगा कि यहां से बेल्ट जब हम ज्वाइंट भर देंगे तो ये इस तरह का फिगर बनेगा। ये इसमें जो कट किया गया है कॉर्नर, ये यू आकार का गोलाई में कट किया गया है, इनको मिलाते समय ये यू आकार का बनेगा। तो जब ये यू आकार का बनेगा तो ये सिंगल यू बट ज्वाइंट कहलाएगा, सिंगल यू बट ज्वाइंट। इसी तरह से इस केस में देखिए, एक प्लेट में तो कोई भी कटिंग नहीं की गई है, दूसरी प्लेट में केवल ये गोलाई में कटिंग की गई है, तो ये जे का आकार बनता है, इसलिए इसको सिंगल जे बट वेल्ड कहते हैं। और इसमें केवल एक किनारा स्ट्रेट टेपर किया गया है और एक प्लेट का वो नहीं किया गया है, इसको सिंगल बेवल बट ज्वाइंट कहते हैं, ये BEVEL, सिंगल बेवल बट ज्वाइंट। इसी तरीके से अगर इन प्लेटों के दोनों कॉर्नर जो है टेपर कर दिए जाएं, यानी इधर भी वी बना दिया जाए, नीचे भी वी बना दिया जाए, इसको इसी को कहते हैं कि ग्रूव खांचा काट दिया गया। तो ये ग्रूव यहां बना दिया गया है, अब इसके बाद ऊपर से भी बेल्ट कर दिया गया और नीचे से भी बेल्ट कर दिया गया, इसमें ऊपर से भी बेल्ट किया गया है और नीचे से भी बेल्ट किया गया है, तो ये हमारा डबल वी बट बेल्ट कहलाएगा, डबल वी बट बेल्ट। ये हमारा यू, ये यू शेप बनता है, तो ये डबल यू बट बेल्ट कहलाएगा, और ये डबल जे कहलाएगा इस केस में, और ये डबल वेबल कहलाएगा। ये तिरछा दोनों तरफ कटा हुआ है, एक सीधा है, तो ये डबल वेबल। तो यानी इसमें इधर से भी बेल्ट किया गया है, नीचे से भी बेल्ट किया गया। इसका मतलब समझिए, आखिर ये इसका क्या फर्क क्या पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। इसमें केवल एक तरफ से बेल्ट किया गया, नीचे से बेल्ट नहीं किया गया। इसमें प्लेट के ऊपर से भी बेल्ट पहले कर दिया गया, बाद में प्लेट को पलट करके नीचे से भी बेल्ट कर दिया गया। इस तरह के बेल्ट में एक कमी रह जाती है कि अब केवल हम ऊपर से बेल्ट करते हैं तो इसकी तली में पूरी गहराई तक सब जगह मटेरियल पहुंचा है, ऐसा श्योर नहीं हो पाता।
यानी कुछ जगह ये पैकेट खाली ब्लैंक पॉकेट जो है ये छूट जाता है। इस तरह से पूरी जुड़ी हुई मोटाई हमको कंठ मोटाई पूरी नहीं मिल पाती। इसमें क्योंकि दोनों तरफ से वेल्ड कर दिया गया है तो ये हम श्योर हो गए हैं कि ये पूरा अंदर सॉलिड हिस्सा हो गया है। उभरा हुआ हिस्सा केवल निकाल दीजिए, बाकी जो बेल्ट की जो मोटाई है वो हमारी प्लेट की ही मोटाई के बराबर हो जाएगी। यही इस बट बेल्ट की कंठ मोटाई कहलाती है। तो इस केस में, डबल वाले केस में, तो कंठ मोटाई हमारी प्लेट की मोटाई के ही बराबर होती है, लेकिन सिंगल वाले ज्वाइंट में कुछ दूरी तक हम इसको नहीं मानते कि यहां पर बेल्ट मटेरियल है, तो इसमें कंठ मोटाई जो है 5/8, प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना के बराबर ही लिया जाता है। तो ये हमारा बट बेल्ट की कंठ मोटाई सिंगल यू वी जे इत्यादि जोड़ों के केस में होती है और पूरी प्लेट की मोटाई के बराबर इस केस में इतनी होती है। तो इसमें आगे हमारा यही है, टाइप्स ऑफ बट ज्वाइंट ये सब ने दोनों बता दिए। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पहला केस में फॉर सिंगल वी यू जे टी सी यानी टीई, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बराबर 5/8 थिकनेस ऑफ प्लेट यानी प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना। और ये है डबल यूवी के लिए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस किसके बराबर ली जाती है, थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर ली जाती है। वही दोनों नियम लिखे हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया। इसके बाद बस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट, इसमें बट बेल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा ध्यान से जरूर सुन लें, क्योंकि इसमें एक्चुअली अलग अलग राइटर्स की बुक्स में कुछ अलग अलग तरह से इस फार्मूले को लिखा है और दोनों के इवन रिजल्ट भी डिफरेंस आ रहे हैं। हालांकि आईएस कोड ने स्पष्ट रूप से कोई फार्मूला बट बेल्ट के लिए नहीं दिया है, केवल थ्योरी में लिखा हुआ है कि प्लेट की सामर्थ्य के बराबर लिया जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए, फिर भी ज्यादातर लोगों के मत के अनुसार जो इसके स्ट्रेंथ के लिए फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है वो इस तरह से है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट अथवा ग्रूव ज्वाइंट, किस केस में, जबकि उसमें केवल टेंशन या कंप्रेशन आ रहा हो। इसमें एक्चुअली दो अलग अलग कंडीशन है। अगर बट जोड़ में केवल टेंशन या कंप्रेशन आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों को हमने यहां रख करके और ये हमने बेल्ड कर दिया, और इन प्लेटों में ये खिंचाव बल, तो ये तो टेंशन हो गया इस ज्वाइंट पर, और या कंप्रेशन आ जाए, संपीड़न बल आ जाए, इसके अलावा इसमें सीयर ना उत्पन्न हो। तो सीयर कब उत्पन्न होता है, जब ये प्लेट इधर को खींच रही हो और ये प्लेट इधर को खींच रही हो, तब इस ज्वाइंट में सीयर उत्पन्न होगा। तो दोनों के लिए यहां अलग अलग फार्मूले दिए हैं। अगर जब सीयर की कंडीशन है तब फार्मूला दूसरा है, और जब टेंशन या कंप्रेशन का बल आ रहे हैं तब फार्मूला दूसरा प्रयोग किया गया। तो जरा देखिए यहां पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट इन इन केस ऑफ टेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन, तो ये टी डी डब्ल्यू, इसको टी डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा वही एरिया जैसे पीछे था एल डब्ल्यू, यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की प्रभावी लंबाई, इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस प्रभावी कंठ मोटाई टी, ये तो एरिया हो गया, और प्रतिबल की जगह पर एफ वाई 1/γmw, गामा एमडब्ल्यू तो वही 1.25 है, और इसमें एफ वाई 1 ये क्या है, इसको यहां पर देख लें, इसकी जो डेफिनेशन दी है, एफ वाई 1 इज इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ यील्ड स्ट्रेस, मतलब ये यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बेल्ट, यानी बेल्ट का जो मेटल है, बेल्ट का मेटल है उसके यील्ड स्ट्रेस, तथा पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल का मतलब है कि जिन प्लेटों को जोड़ा जाना है उन प्लेटों का मटेरियल, पेरेंट मटेरियल का जो है यही यील्ड स्ट्रेस वो कितनी होती है, एफ वाई होती है। तो पेरेंट मेटल यानी प्लेटों की ये यील्ड स्ट्रेस एफ वाई, और इधर बेल्ट की यील्ड स्ट्रेस, इन दोनों में जो कम हो वही हमारा एफ वाई वन लिया जाता है।
अब यहां मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और प्रैक्टिकल में कंसेप्ट ये है कि जो हमारा बेल्ट का मटेरियल होता है उसकी सामर्थ्य प्लेट की ही सामर्थ्य के बराबर एज्यूम की जाती है और लगभग उसी के ही बराबर होती है अगर बेल्ट करने में क्वालिटी खराब नहीं की गई है तो, या बेल्ट की मटेरियल खराब नहीं, रॉड खराब है तो गलत हो सकता, तो स्ट्रेंथ कुछ कम या ज्यादा हो सकती है। ये तो केवल ये कि अगर अलग अलग है तो उनमें से जो कम है वो लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है कि बेल्ट की अलग से सामर्थ्य नहीं दी जाती, क्वेश्चन में केवल प्लेट की ही सामर्थ्य दी जाती है। तो यहां पर एफ बाई वन का मान हम एफ बाई के बराबर ही रख लेते हैं। तो यहां इस फार्मूले में एफ बाई ही रख लेंगे वैल्यू, और इसकी वैल्यू 250 होती है, 250 बटे 1.25। इसी फार्मूले से हम टी डी डब्ल्यू का मान निकालेंगे। ये किस केस में होता है? जब इस जोड़ के ऊपर टेंशन या कंप्रेशन केबल आ रहे हो। सेकंड केस है कि जब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन सियर, अगर सियर आ रहा है, यानी ये अगर सियर इन दोनों में उत्पन्न हो रहा है, तब इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग किया गया है, क्योंकि सियर स्ट्रेंथ है इसलिए इसको बी सिंबल हम दे सकते हैं, हालांकि कुछ लोगों ने इसको भी टी लिख दिया है। मेन शब्द होता है कि हम जो स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वहां हमने शब्दों में लिख दिया है क्लियर कर, सिंबल ये कोड में तो कुछ भी नहीं दिए है, यहाँ ये सब अपने अपने स्वेच्छा के अनुसार बनाए हुए सिंबल है। तो यहां पर मान लीजिए वी डी डब्ल्यू हम मान लेते हैं सियर स्ट्रेंथ के लिए, तो ये एल डब्ल्यू और टी ई, ये तो जैसे ऊपर वाले पद में है उसी तरह से ये है प्रभावी लंबाई और ये प्रभावी कंठ मोटाई। प्रतिबल के स्थान पर एफ वाई डब्ल्यू वन लिया जाता है, ऊपर खाली एफ वाई वन लिखा था, यहां पर एफ वाई डब्ल्यू वन है बटे गामा एम डब्ल्यू, तो गामा एम डब्ल्यू तो सेम टू सेम 1.25 के बराबर, वो भी किसके लिए? सॉफ्ट रिबिट के लिए। ये सॉफ्ट रिबिट के लिए 1.25 है, अगर फील्ड रिबिट है, सॉरी सॉप वेल्ड है तो 1.25 है, और अगर सॉप फील्ड वेल्ड है तो फिर उसके लिए 1.5 होता है, यही चीज ऊपर भी है। तो एफ वाई डब्ल्यू वन की वैल्यू देख लें ये क्या होती है कोड के अनुसार, स्मॉलर ऑफ द सियर स्ट्रेस ऑफ द बेल्ट, यानी बेल्ट की जो सियर स्ट्रेस है वो कितनी ली जाती है, यहां देखिए एफ वाई डब्ल्यू बटे अंडर रूट 3 के बराबर ली जाती है, एफ वाई डब्ल्यू बटे अंडर रूट 3 के बराबर ली जाती है, यानी ये जो हमारी स्ट्रेंथ थी यील्ड स्ट्रेस उसका बटे अंडर रूट 3, ये इसकी सियर स्ट्रेस हो जाती है। तो ये सियर स्ट्रेस हो गई, एंड द पेरेंट मेटल, और पेरेंट मेटल की सियर स्ट्रेस कितनी ली जाएगी, वो एफ वाई बटे अंडर रूट 3 ली जाती है, तो ये एफ वाई बटे अंडर रूट 3 इसमें भी लिया जाता है, इसमें भी लिया जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा कि फिलेट बेल्ट में भी एफ वाई बटे अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली वो सामर्थ्य सियर में ही होती है, फिलेट वेल्ड मोस्टली सियर में टूटता है, ये टेंशन और कंप्रेशन में नहीं टूटता, इसलिए वहां पर फार्मूले में एफ वाई बटे अंडर रूट 3 का प्रयोग फिलेट वेल्ड वाले में किया गया है। और यहां ये बट वेल्ड है, इसमें अगर ये लिखा हो, यानी ये अगर बल इस डायरेक्शन में लग रहे हो, सियर में लग रहे हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और इस फार्मूले का प्रयोग करके यानी इसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे एफ वाई बटे अंडर रूट 3, और फिर ये रख करके हम इस सूत्र के द्वारा स्ट्रेंथ की गणना कर लेंगे। तो ये बट वेल्ड की सामर्थ्य निकालने के लिए ये दो फार्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी न लिखा है, लिखा हो केवल स्ट्रेंथ निकालनी हो, तब आप केवल टेंशन और कंप्रेशन की ही स्ट्रेंथ आप निकाल करके आपको जवाब देना है। जब तक कि स्पष्ट रूप से सियर करना लिखा हो तब तक सियर स्ट्रेंथ की गणना नहीं करनी चाहिए, इसकी स्पेशल कंडीशन में जब आपको मालूम हो कि सियर में ही गणना करनी है तब आप ये इस फार्मूले से करेंगे, अन्यथा केवल टेंशन और कंप्रेशन के ही फार्मूले के द्वारा आप इसकी गणना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बट या ग्रूव वेल्ड के बारे में इसकी थ्योरी बस केवल इतनी ही है, कंठ मोटाई है, प्रभावी लंबाई है, और ये प्रतिबल इसके द्वारा कैसे इसकी सामर्थ्य ज्ञात की जाती है, और कितने प्रकार के ये बट वेल्ड होते हैं,